रूसी हमलों का शिकार बना यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर हमला करने लगा है। हाल में कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना का हमला इसकी तस्दीक करता है। रूस के कुर्स्क के हालात ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन को बढ़ा दिया है। ये वही इलाका है जिस पर यूक्रेनी सेना ने कब्जे का दावा कर सबको चौंका दिया। बीते दिनों यूक्रेनी सेना ने 1000 से ज्यादा सैनिकों, बख्तरबंद टैंकों समेत लाव लश्कर के साथ कुर्स्क पर धावा बोला था। इस दौरान यूक्रेन ने जमकर तबाही मचाई थी। ये रूस के किसी इलाके में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों से जूझती दिखी। बताया जाता है कि कुर्स्क में ये हालात हैं कि दूर दूर तक रूसी सेना नजर नहीं आ रही है। कुर्स्क की सड़कों पर जगह जगह शवों के ढेर पड़े हैं, कारों पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं, चौक पर लगी लेनिन की मूर्ति का आधा चेहरा उड़ चुका है, सड़कें छर्रों से अटी पड़ी हैं, शहर में जो लोग बचे हैं वे बम शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना महज 30 किलोमीटर तक ही अंदर घुस पाई है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना रूस में 100 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। साथ ही यूक्रेन ने अपना अस्थायी बेस भी बना लिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए इसके बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को बड़ी धमकी दे डाली। मंत्रालय ने कहा कि अगर यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया तो रूसी सेना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगी। खास बात है कि रूस में यूक्रेन की सीमा पार से घुसपैठ के बाद परमाणु सुविधा फ्रंट लाइन से ज्यादा दूर नहीं है। रूस को इस बात का डर सताने लगा है कि यूक्रेन बड़ा नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रूस के परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी को आशंका है कि यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसका वॉरहेड रेडियोएक्टिव हो सकता है। रूस ने कहा कि वो मॉस्को कीव सीमा से लगभग 90 किलोमीटर दूर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कीव की योजनाओं की रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहा है। जहां हाल के दिनों में भीषण जंगी मैदान बन गया है, रूस ने अंदेशा जताया है कि अगर ऐसे हथियार को इस्तेमाल कर पावर प्लांट्स पर किया गया तो भयानक तबाही मचेगी। खार्किव इलाके में मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यूक्रेनी रूस न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकता है। रूस ने यह दावा किया है कि उसे ये जानकारी पकड़े गए यूक्रेनी युद्ध बंदियों से मिली है। यूक्रेन द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की प्लानिंग पश्चिमी देशों की है, इसमें ब्रिटेन सबसे आगे है। इस बीच दावा है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स को एक्टिवेट कर लिया है। जमीन, हवा और पानी से हमला करने वाली परमाणु मिसाइलें किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो गई हैं। खबरों के मुताबिक रूस की तैयारी है कि अगर नेटो देशों ने हमला किया तो उनके कई बड़े शहरों पर रूसी मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन के लिए कुर्स्क में जो हो रहा है वो आम बात है। उन्होंने कई यूक्रेनी शहरों में ऐसे हालात देखे हैं। हालांकि रूस के लिए ये बिल्कुल नया है। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क पर रूस का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं यूक्रेन ने भी पूरी तरह से कब्जा नहीं किया है। ऐसे में ये शहर अपने भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है।